Hey guys, welcome to my channel Befriend English. This is me, Dr. Sunita, teaching you English through Hindi. Today's topic is some daily use vocabulary. कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हम रोज यूज करते हैं, तो आइए जानते हैं उनका यूज. And our first term is cracking knuckles, यानी कि उंगलियां चटकाना. Stop cracking knuckles. Knuckles बोलते हैं हमारे उंगलियों के इन जॉइंट्स को. और कई बार लोगों की आदत होती है, इस तरह से उंगलियां चटकाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, इनको बोलते हैं क्रैकिंग नकल्स. तो और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें मना करते हैं, जस्ट स्टॉप क्रैकिंग नकल्स, डोंट क्रैक नकल्स. सो दिस इज स्टॉप क्रैकिंग नकल्स, मतलब उंगलियां चटकाना. ओके, नेक्स्ट वन इज स्क्रैचिंग हेड, यानी के सिर खुजाना. कई बार सिर में इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, तब तो खुजाते ही हैं लोग. लेकिन कई बार लोगों की आदत भी होती है, कुछ सोचते हुए ऐसे सिर खुजाते हुए सिर सोचते रहते हैं, बैठे हुए ऐसे कुछ कुछ खुजाते रहते हैं. सो दिस इज समटाइम्स देयर हैबिट ऑल्सो. सो इट इज़ हिज हैबिट टू स्क्रैच हिज हेड वाइल थिंकिंग, सोचते हुए सिर खुजाना उसकी आदत है. So scratching head is the term for sir khujana. Okay. Next one is squeeze. Squeeze a lemon for tea. Chai ke liye nibu nichod do. Squeeze is the term for nichodna. Kisi cheez ka ras nikalna. Squeeze an orange. स्क्वीज अ लेमन, तो इनके लिए यूज करते हैं निचोड़ना, मीन्स स्क्वीज. नेक्स्ट वन इज रिंग आउट द टॉवल. रिंग द क्लोज आउट एंड हैंग दैम टू ड्राई. WRING, रिंग रिंग दैट इज निचोड़ना, पर ये कपड़े निचोड़ने के लिए यूज होता है. रिंग आउट द टॉवल, रिंग द टॉवल आउट, रिंग द क्लोज आउट एंड हैंग दैम टू ड्राई, और सूखने के लिए फैला दो. हैंग दैम टू ड्राई, सूखने के लिए फैला दो. रिंग द क्लोज आउट, कपड़ों को निचोड़ दो और सूखने के लिए फैला दो. सो ये भी है निचोड़ना, लेकिन ये कपड़े निचोड़ना. नेक्स्ट वन इज आई एम फीलिंग गिडी. आई एम फीलिंग गिडी और फीलिंग डिजी. फीलिंग डिजी यानी कि चक्कर आना. गिडी और डिजी दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं चक्कर आने के लिए. आई एम फीलिंग गिडी या आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा है. नेक्स्ट वन इज ड्राउजी. ड्राउजी यानी कि ऊंघना. पीपल फील ड्राउजी इन द आफ्टरनून. दोपहर में लोग ऊंघते हैं. ये एक ऐसी स्थिति होती है जब हम ना पूरे से सोए हुए होते हैं और ना पूरे से जागे हुए होते हैं, आधे नींद में आधे सो हुए, ऐसी स्थिति को बोलते हैं ड्राउजीनेस. ऊंघना या उनीदापन होना, उनीदापन जब हम पूरी तरह से ना सोए हुए होते हैं ना जागे हुए होते हैं, ऊंघना. People feel drowsy in the afternoon. Drowsiness for ungna. I like to take a short nap after coming home. Nap is the term for झपकी लेना. Short nap, nap झपकी लेना का ही मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए सोना, थोड़ी देर के लिए सोना झपकी लेना. I like to take a short nap after coming home. कॉलेज से घर आने के बाद मुझे थोड़ी सी झपकी लेना अच्छा लगता है. टेकिंग अ शॉर्ट नैप, टेकिंग अ 10 मिनट नैप इन द आफ्टरनून मेक्स यू रिफ्रेश. दोपहर में एक छोटी सी झपकी, 10 मिनट की झपकी आपको फ्रेश कर देती है. माई फादर इन लॉ इन्जॉयज टेकिंग अ नैप आफ्टर लंच इन द आफ्टरनून. दोपहर में खाना खाने के बाद मेरे फादर इन लॉ सोना पसंद करते हैं या झपकी लेना पसंद करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए सोना, दैट इज नैप. नेक्स्ट वन इज पिंच. ही पिंच्ड मी.
He pinched me. Pinch यानी कि चिकोटी काटना. कई बार बच्चे खेल खेल में शुरू करते हैं और फिर बाद में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, तो इसलिए बाद में मम्मी के पास शिकायतें लेकर आते हैं. मम्मी इसने मुझे नोचा, इसने मुझे चिकोटी काटी. मम्मा ही पेंज मी, मम्मा ही पेंज मी. सो नोचना या चिकोटी काटना इसके लिए बोल टर्म है पिंच. नेक्स्ट वन इज डोंट पिक योर नोज. नोज पिकिंग दैट इज नाक में उंगली डालना. बच्चों को कई बार देखा होगा बच्चे करते हैं, नाक में उंगली डालते हैं और मम्मियाँ उनको मना करती हैं, नो डोंट पिक योर नोज. डोंट पिक योर नोज मतलब नाक में उंगली मत डालो. पिक योर नोज नाक में उंगली. नेक्स्ट वन इज बाइटिंग नेल्स. डोंट बाइट योर नेल्स. डोंट बाइट योर नेल्स. नाखून मत चबाओ. कई बार लोगों की आदत होती है, बच्चे तो करते ही हैं, कई बार बड़ों की भी आदत होती है, बैठ के उंगलियां चबाते रहते हैं, नाखून चबाते रहते हैं, या स्पेशली टीवी देखते हुए या कुछ सोच रहे होते हैं तो आदत बन जाती है, तो अनकॉन्शियसली उनके मुंह में उंगलियां चली जाती हैं नाक में इस तरह से बैठ के. तो इस आदत को और घर के बड़े बुजुर्ग की या मम्मियाँ भी मना करती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स मतलब उंगलियां, नाखून मत चबाओ, नाखून मत मुँह से मत काटो. तो दिस इज बाइटिंग नेल्स, नाखून चबाना. सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप मी मोटिवेटिंग. थैंक यू.